सच साहस सरोकार। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, आज भाजपा दफ्तर में होगी बैठक, बीजेपी कोर ग्रुप की होगी बैठक। बड़ी खबर सामने आ रही है, भाजपा प्रत्याशियों के चयन पर होगी चर्चा। 11 बजे से भाजपा दफ्तर में शुरू होगी बैठक। बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, भाजपा की बैठक होगी आज भाजपा दफ्तर में होगी बैठक, बीजेपी कोर ग्रुप की होगी बैठक। बड़ी खबर सामने आ रही है, भाजपा प्रत्याशियों के चयन पर होगी चर्चा। अयोध्या में फूटा कोरोना बम, बड़ी खबर सामने आ रही है, कोरोना के 94 नए मरीज मिले। जनपद में एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 287, जिला अस्पताल के 4 डॉक्टर समेत 1 नर्स कोरोना पॉजिटिव। रेलवे विभाग में कोरोना के 14 मरीज मिले, बड़ी खबर सामने आ रही है, अयोध्या में फूटा कोरोना बम, 94 कोरोना मरीज मिले, बड़ी खबर सामने आ रही है अयोध्या से। जनपद में एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 287, जिला अस्पताल के 4 डॉक्टर समेत 1 नर्स कोरोना पॉजिटिव। रेलवे विभाग में कोरोना के 14 मरीज मिले, बड़ी खबर सामने आ रही है अयोध्या से, जहां अयोध्या में फूटा कोरोना बम, कोरोना के 94 मरीज मिले। जनपद में एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 287, जिला अस्पताल के 4 डॉक्टर समेत 1 नर्स कोरोना पॉजिटिव। रेलवे विभाग में कोरोना के 14 मरीज मिले, अयोध्या में फूटा कोरोना बम, बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां देश के साथ साथ प्रदेश में और प्रदेश के कई जिलों में कोरोना के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जनपद में एक्टिव मरीजों की संख्या अब बढ़ गई है, जिला अस्पताल के 4 डॉक्टर समेत 1 नर्स भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। रेलवे विभाग में भी कोरोना के 14 मामले सामने आए हैं। अयोध्या में कोरोना बम फूटा है, बड़ी खबर सामने आ रही है, 94 नए मरीज मिले हैं। जनपद में एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 287, जिला अस्पताल के 4 डॉक्टर समेत 1 नर्स कोरोना पॉजिटिव, बड़ी खबर सामने आ रही है। रेलवे विभाग में कोरोना के 14 मरीज मिले, अयोध्या में फूटा कोरोना बम, बड़ी खबर सामने आ रही है अयोध्या से, 94 नए मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग में नए मरीज मिलने से मचा हड़कंप। जनपद में एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 287, बड़ी खबर सामने आ रही है, जिला अस्पताल के 4 डॉक्टर समेत 1 नर्स कोरोना पॉजिटिव। रेलवे विभाग में कोरोना के 14 मरीज मिले, बड़ी खबर सामने आ रही है अयोध्या से, जहां कोरोना के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, भाजपा छोड़ सकते हैं कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान, सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, 14 जनवरी को ऐलान कर सकते हैं कैबिनेट मंत्री। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, भाजपा छोड़ सकते हैं कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जिला कारागार में मिला कैदी का शव, रस्सी के सहारे लटका मिला शव, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हाउस भेजा, बड़ी खबर सामने आ रही है। बीते 1 महीने से जेल में बंद था कैदी, इलाज के लिए सुल्तानपुर से भेजा गया था कैदी अंसार। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जिला कारागार में मिला कैदी का शव, रस्सी के सहारे लटका मिला शव, बड़ी खबर सामने आ रही है, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हाउस भेजा। बीते 1 महीने से जेल में बंद था कैदी, बड़ी खबर सामने आ रही है, इलाज के लिए सुल्तानपुर से भेजा गया था कैदी अंसार। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जिला कारागार में मिला कैदी का शव, रस्सी के सहारे लटका मिला शव, बड़ी खबर सामने आ रही है, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हाउस भेजा। बीते 1 महीने से जेल में बंद था कैदी, बड़ी खबर सामने आ रही है, इलाज के लिए सुल्तानपुर से भेजा गया था कैदी अंसार। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जिला कारागार में मिला कैदी का शव, बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के आंकड़े जारी, बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कोरोना के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे, यूपी में कोरोना 11,089 नए केस मिले, 11,000 के पार मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में 5 कोरोना मरीजों की मौत भी हुई है, बड़ी खबर सामने आ रही है। गाजियाबाद में सबसे ज्यादा 1,829 नए मामले सामने आए हैं, लखनऊ में कोरोना के 1,444 नए मरीज
मिले हैं। वाराणसी में 436 नए कोरोना केस आए सामने। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के आंकड़े जारी, बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी में कोरोना के 11,089 नए केस मिले। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता अजहर जुड़े हुए हैं। अजहर, जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार प्रदेश में सामने आ रहे, क्या कहेंगे, ये जो तेजी से मामले बढ़ रहे हैं, इसकी रोकथाम कैसे संभव है? हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो लगातार प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यूपी में कोरोना के 11,089 मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में 5 कोरोना संक्रमितों की मौत भी हो गई है। गाजियाबाद में सबसे ज्यादा मामले सामने आए, 1,829 नए केस सामने आए हैं। तो कोरोना के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कोरोना के 1,144 नए मरीज लखनऊ में मिले हैं। वाराणसी में 436 नए मामले सामने आए हैं। लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के आंकड़े जारी। यूपी में कोरोना के 11,089 नए केस मिले। 24 घंटे में 5 मरीजों की मौत भी हुई। तो कोरोना के मामले लगातार कहर बरपा रहे हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश में भी लगातार कोरोना के बड़े मामले सामने आ रहे हैं। लखनऊ में 1,144 मामले सामने आए बीते 24 घंटे में। वाराणसी में 436 नए कोरोना मरीज सामने आए। अलग अलग जिलों से मामले सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के आंकड़े लगातार जारी हो रहे हैं और लगातार बढ़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। यूपी में कोरोना के 11,089 नए केस मिले हैं 24 घंटे में। बीते 24 घंटे में 5 कोरोना मरीजों की मौत। गाजियाबाद में सबसे ज्यादा मामले, 1,829 नए मामले आए सामने। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता अजहर खान जुड़ चुके हैं। अजहर, लखनऊ में 1,444 मामले सामने आए, गाजियाबाद में सबसे ज्यादा मामले सामने आए, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं लगातार, बीते दिनों बात करें तो कल और परसों भी लगातार 1,000 के ऊपर जो मामले थे वो सामने आए हैं। और अब जो 24 घंटे में जो कोरोना के मामले हैं वो बीते 24 घंटे में 1,444 मामले सामने आए। वहीं गाजियाबाद की बात करें तो वहां भी लगभग 1,800 से ऊपर मामले सामने आए हैं और गौतम बुद्ध नगर में भी 1,680 लगभग मामले सामने आए। खास तौर पर शिखा आपको बता दें जी, जो ओमिक्रॉन के मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में 275 पूरे ओमिक्रॉन के मामले हैं और खास तौर पे राजधानी लखनऊ में 114 लगभग ओमिक्रॉन के सक्रिय मरीजों की संख्या हो गई है। और वहीं दूसरे नंबर पे वाराणसी, जहां पर 99 लगभग ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या हो गई है। जी जी, और जिस तरह से दिल्ली और महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश में मामले बढ़ रहे हैं, क्या लगता है इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या चुनावी रैलियां जो इतनी ज्यादा हुई हैं उसका असर अभी तक देखने को मिल रहा है? लगातार कोरोना के नए नए मामले सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल, साफ तौर से जिस तरह से चुनावी रैलियों में जिस तरह से लापरवाही बरती गई है और खास तौर पे लोगों द्वारा भी जिस तरीके से लापरवाही बरती गई है, जिस तरह से कोरोना प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन किया गया है बाजारों में, मॉल्स में, और इसके अलावा भी खास तौर पे चुनावी रैलियां जो हैं वो इसकी खास वजह है। जिस तरह से चुनावी रैलियों में भीड़ जुटाई गई थी और तमाम तरह से अलग अलग जिलों से, अलग अलग गाँव से लोग इकट्ठा हुए थे, तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। जिस तरह से ये कोरोना के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, ये भी एक खास वजह है। अजहर, कोरोना के मामले तो तेजी से बढ़ रहे हैं लेकिन उस हिसाब से अभी मौत के मामले कम है, लेकिन 24 घंटे में 5 संक्रमितों की मौत हुई है, तो क्या स्थिति गंभीरता की तरफ बढ़ रही है? जी बिल्कुल, साफ तौर से जिस तरीके से बीते दिनों अगर हम बात करें तो कल की बात करें तो 4 मरीजों की मौत हो चुकी थी, उससे पहले भी 4 मरीजों की मौत हो चुकी, और कल की बात करें तो 5 मरीजों की मौत हुई है। तो कहीं ना कहीं स्थिति खराब होती नजर आ रही है, लेकिन ओमिक्रॉन जो ये वेरिएंट है वो पहले जो डेल्टा वेरिएंट से कम ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसका संक्रमण रेट जरूर ज्यादा है लेकिन फिलहाल इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है, क्योंकि लोगों को हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं पड़ रही है। जो भी संक्रमण हो रहे हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट से वो घर पे ही आइसोलेट हो रहे हैं और हल्के लक्षणों के बाद वो फिर से ठीक होते नजर आ रहे हैं। तो जो मौत के आंकड़े हैं वो फिलहाल दूसरी लहर में जो इतना ज्यादा देखने को मिला था उसकी
तुलना में काफी कम है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और तमाम खबरों पे भी हमारे साथ जुड़े रहिए और जानकारी देते रहिए। सर, तो कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में कोरोना के आंकड़े अब लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं। यूपी में कोरोना के 11,089 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, आज भाजपा दफ्तर में होगी बैठक, बीजेपी कोर ग्रुप की होगी बैठक, बड़ी खबर सामने आ रही है। भाजपा प्रत्याशियों के चयन पर होगी चर्चा, 11 बजे से भाजपा दफ्तर में शुरू होगी बैठक। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, आज भाजपा दफ्तर में होगी बैठक, बीजेपी कोर ग्रुप की होगी बैठक। इस खबर पे भी हमारे संवाददाता अजहर जुड़े हुए हैं। अजहर, जिस तरह से आज भाजपा प्रत्याशियों के नाम की चर्चा हो सकती है और भाजपा दफ्तर में बैठक होगी, क्या क्या चीजों पे मंथन हो सकता है? चुनाव आयोग ने चुनावी तारीखों का ऐलान किया है, तब से भारतीय जनता पार्टी में बैठकों का दौर लगातार शुरू होता जा रहा है। अभी परसों की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश चुनाव समिति ने भी बैठक की और प्रत्याशियों की सूची पे, प्रत्याशियों के चयन पे चर्चा की, और उसके बाद अगर कल की बात करें तो केंद्रीय नेतृत्व ने भी इस पर चर्चा की, और आज लगातार ये तीसरा दिन है और बैठकों का दौर लगातार जारी है। और आज भी लगभग 11 बजे जो दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व द्वारा मीटिंग की जाएगी और प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया इसको लेकर मंथन हो सकता है, और चुनावी प्रचार प्रसार को लेकर किस तरह से डिजिटल तौर से, किस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से चुनावी प्रचार प्रसार किया जाए आने वाले समय के लेकर, इसको इन तमाम मुद्दों को लेकर आज मंथन हो सकता है। जी, जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे संवाददाता अजहर खान जुड़े थे। तो आज बीजेपी दफ्तर में बैठक होगी और आने वाले चुनावों को लेकर रणनीति बनाई जाएगी, किस तरह से रैलियां करनी है या फिर किस तरह से डिजिटल माध्यम से जनता के बीच जुड़ना है, तमाम चीजों पर बैठक होगी आज। कोरोना की चपेट में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर दी जानकारी, बड़ी खबर सामने आ रही है, नितिन गडकरी भी अब कोरोना पॉजिटिव, गडकरी ने खुद को होम आइसोलेट किया, बड़ी खबर सामने आ रही है। कोरोना की चपेट में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर दी जानकारी, बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां कई वीवीआईपी नेता कोरोना संक्रमित होते नजर आ रहे, वही बीजेपी के कद्दावर नेता गडकरी भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। कोरोना की चपेट में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर दी जानकारी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।